बाबा कहते हैं, अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास है ना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम मुझे महसूस करके तो देखो, तुम अपनी चिंता में इतना रहते हो कि मुझे महसूस ही नहीं करते। अपनी सब चिंताएं मुझ पर छोड़ दो, मैं ठीक कर दूंगा। तुम ना जल्दबाजी करते हो, सोचते हो कि आज बाबा को कहा, कल बाबा उसे पूरी कर देंगे। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक बात कहना चाहता हूँ कि तुम बार बार मुझे उस चीज़ के लिए मत कहा करो। बार बार वो तुम्हारी बात सुनकर कई बार मैं परेशान हो जाता हूँ। तुम सोचो, कोई इंसान तुम्हें बार बार आकर कोई बात कहे, तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा ना? तो मुझे भी नहीं अच्छा लगता। मैं सब बात जानता हूँ, तुम मेरे बच्चे हो। मैं अपने बच्चों की परेशानी नहीं जानूंगा तो कौन जानेगा? अब तुम देखो, जब बच्चा छोटा होता है वो बोल नहीं पाता, पर माँ बाप को पता होता है ना कि उसे क्या चाहिए। तो ऐसे मुझे भी पता है कि तुम्हें क्या चाहिए, इसलिए तुम मांगना छोड़ो। बस मेरे पास प्यार से बैठा करो, मुझसे बात किया करो। बातें बहुत सारी होती हैं, सिर्फ मांगना ही नहीं होता। कभी मेरा हाल चाल भी पूछ लिया करो कि बाबा आप कैसे हो, सारा दिन भक्तों से घिरे रहते हो, थक गए होगे बाबा, मैं आपका हाथ दबा दूं। पर नहीं, तुम्हें तो मांगने के सिवा कुछ आता ही नहीं। मेरे बच्चे, अपनी जिंदगी में ना शुक्राना करना भी सीखो। तुम नहीं जानते कि तुम ईश्वर ने इतना कुछ दिया हुआ है। कभी किसी आश्रम में जाकर देखो, लोग बहुत दुखी हैं, फिर तुम्हें पता चलेगा कि मैंने तुम्हें कितना कुछ दिया है। इसलिए शुक्राना किया करो। शुक्राना करने से ना जो भी पास नहीं होता ना, वो भी आ जाता है। मेरे बच्चे, अपनी जिंदगी को बदलो, तनाव से निकलो। जब तक तनाव में रहोगे ना, कुछ भी नहीं कर पाओगे। जो ये तनाव है ना, सारी ऊर्जा को खत्म कर देता है। मेरी बात मानो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। बस नेक रास्ते पर चलते चलो, ईश्वर हमेशा तुम्हारा साथ देगा। खुश रहो मेरे बच्चों।